कि कबो दो प्रेमी के अलग मत करिह संसार में। अरे सुनो ना, कि कबो दो प्रेमी के अलग मत करिह संसार में, आना तो मचा दी गदर बिहार में। तो नमस्कार, हम वाणिजीत कुमार और सब चालू कर भैया निष्ठ भोजपुर। अब बोलंदार भाई जीत भाई कौन डायलॉग मारल बड़ो, तो भैया हम बता दें क्या, जब रिव्यू करल वानी एगो भोजपुरी सिनेमा जरा फिल्म का नाम भैया मच गई गदर प्यार में। ये फिल्म के ट्रेलर रिलीज भाई बाबू कर हम रिव्यू करम और बताई कि मनोज आर पांडे भाई कमाल कमाल के डायलॉग मारल बड़न, मतलब कमाल के यार, कमाल के यार, कमाल के। काहे कि वो नेपोटिज्म के ही एगो बीज समझ ली, काहे कि इनका बड़का भाई बड़का वाला डायरेक्टर भतीजा बड़का वाला हीरो भाई अच्छा अच्छा कहा है ना भाई पता ना। चलिए रिव्यू करम सब कुछ बताएं, उससे पहले वो काम करें चैनल बनाए वाली सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दी। चलिए मेरे वीडियो को चालू कर लिया जो ना फिल्म का नाम बा मच गोइल गर्दा प्यार। तथा फिल्म की कहानी चालू होत बा जो ट्रेलर में दिखा थे कि भाई सारा कहानी एगो लड़की के पीछे ही चालू होता है। ऐसे तो लड़की के पीछे मायर चीजें होला तो फिल्म में होता तो कौन बहुत बड़का बात नहीं की। कहीं तरह कहानी हमारा बोलता है कि कितना बार देख चुके लोग बजा भैया कितना बार देख चुके लोग, तो ये फिल्म में भी वे होत बटे। काजल यादव से प्यार होत बा मनोज आर पांडे के, अभी प्यार ऐसा होत बटे कि जी मरे के कसम खाए लगता लोग, ऊंच नीच के भावना रहत बटे, अमीर गरीब के थोड़ा सा तड़का भी रहत बटे, फिर शादी के लेके टसन रहत अटे जुनून रहत अटे और जी मर के कसम खा के सैड सॉन्ग चलत बटे। आ जब जब फाइट हो कर तो भाठा में चलत रहते, हाँ हाँ जब जब फाइट करे के मन करता भाठा में चलत रहते, बाकी और कुछ भी नहीं। सच बताओ नहीं, कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं के, कहीं के ईंट कहीं के रोड़ा और भानुमती के कुनबा जोड़ा वाला ये फिल्म के कहानी ट्रेलर में समझ में आ रहा है। सच में बताओ तो नहीं, मतलब भाई फिल्म के अगर देखे बड़े गोला सिनेमा हॉल में ना तो कहो कि यार हम कहा देखा था नहीं यार, मतलब गजब हाल बटे। काहे कि ये फिल्म ही एगो तो ये फिल्म अगर बात कर जा तो मैक्सिमम 10 साल पुरान फिल्म हो, 10 से 12 साल पुरान फिल्म होगी। हाँ ऐसे कि अभी वो घड़ी राकेश त्रिपाठी सॉरी ब्रजेश त्रिपाठी जी भी जियत रहो भाई वो नहीं कर गोपाल, हाँ गोपाल राय कहीं ना कहिया से काम कहीं बंद कर चुके रहो, तब के लगता कि 10-12-15 साल हो ही गोले एक फिल्म के शूट हो। अब जाके ये फिल्म आई फिल्म नाम के कंपनी खुलल है नया नया, तो वो फिल्म के भैया ले ला से पता बटे कौन कर ले कंटेंट नहीं के तो ले ले या दूसरे पुराना फिल्म थल के रिलीज वली करो ओकर बाद से नया फिल्म तो हमने के बनबे करी। सच में तो पहले ये आई फिल्म पर भैया ट्रेलर रिलीज हो जब हम देखी बचा का होगा यार गजब हाल बा भाई गजब हाल बटे। ये फिल्म के निर्माता बनी, हाँ ये फिल्म के निर्माता बनी राम शर्मा एन आर आई। हाँ तो ये एन आर आई जी शुरू शुरू में जब अलन माल उल छाप के सोचल कि रह मनोज आर पांडे जैसा बड़ा स्टार कहाँ बट भैया, मतलब राजकुमार आर पांडे के भाई साहब हो इनकर फिल्म करम फट दे रिलीज हुई फट दे पैसा ही पैसा होगा, फिर फिल्म तो कर दिल फिल्म रिलीज ना भाई। अब बोल कि चलो उन्हें कंपनी कुल बटे इनकर कुल देश से के मैंने रिलीज करा लिया जाए, चलो वो तो भैया बेसिक चीज ट्रेलर में जो देखे के मिलत अटे एक्शन उ 10 साल पहले वाला बटे, कहीं से भी नयापन नहीं के दिखा दे, बॉडी लैंग्वेज भी 10 साल पहले बनल बात भैया 10 साल पहले ही मालूम चली, 10 साल पहले 15 साल पहले ही मालूम चली, मतलब कुछ भी आज के सिचुएशन में फिट नहीं के बैठे एकदम से नहीं के बैठे आज के सिचुएशन में, ये कहीं से भी फिल्म ही फिट नहीं के बैठे। और जब फिल्म ही आज के सिचुएशन में नहीं के बैठे तो फिल्म के बारे में बात कैली कितना दुर्भाग्यपूर्ण बट बट न, ए लिए फिल्म के बेसिक चीज के बारे में बात नहीं कर पाई। बाकी फिल्म के कथा पटकथा संवाद निर्देशन हाँ भैया मॉय डिपार्टमेंट दिलवेज खान के जीवन बट भैया मॉय डिपार्टमेंट नहीं बोले बड़ा तो कमाल है बना खान साहब कमाल कराउड, मतलब मेमोरीज बा कमाल कराउड सोच बटे और कमाल कराउड पकड़ भाई यार का कमाल के फिल्म बने बोले सच में इनक्रेडिबल भाई इनक्रेडिबल। बाकी मनोज आर पांडे बढ़ लें तगड़ा वाला या एक्टिंग यार, बाकी काजल यादव एकदम से मतलब माया यादव के लड़की मतलब नेपोटिज्म के अदवा कीर्ति ही में भरल बल सच में बताते अदवा यही में भरल बल, गोपाल राय बड़न एमे ब्रजेश त्रिपाठी बड़न स्वर्गीय ब्रजेश त्रिपाठी जी बड़न और भी तमाम तरीके के सेंट्रा सेंट्रा कलाकार लोग अपन अपन योगदान दिले बल। अब ट्रेलर देख के भी कहा हम बताएं ना बताएं,
कुछ भी कहे के मन नहीं करो, काहे कि फिल्म ही 10-15 साल पुराना भी है, तो फिर काही एक बारे में कुछ कहल जाए, काही कहल जाए। बाकी एक रिव्यू में इतना ही, बताई कैसा लगता जरूर बताएं, देखते हैं निश्चित वो छोड़ी बाकी हम।